से जहां पर चार आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ, आईएएस पुलकित खरे और एसीईओ ग्रेटर नोएडा भेजे गए हैं, आईएएस रवीश गुप्ता सीईओ यूपी आरआरडीए नियुक्त किए गए हैं, वहीं आईएएस आनंद वर्धन वीसी गोरखपुर बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि आईएएस रमेश रंजन निदेशक कौशल विकास बने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से मिल रही है। चार आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, नई जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस पुलकित खरे को एसीओ ग्रेटर नोएडा भेजा गया है और आईएएस रवीश गुप्ता सीईओ यूपी आरआरडीए नियुक्त किया गया है। वहीं पर आईएएस आनंद वर्धन वीसी गोरखपुर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, आईएएस रमेश रंजन निदेशक कौशल विकास बने हैं। तो चार आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि रूटीन बेसिस पे बताया जाता है कि तबादले किए गए हैं लेकिन नई जिम्मेदारी आईएएस आनंद वर्धन वीसी जीडीए बनाए गए हैं। तो वहीं आईएएस रमेश रंजन निदेशक कौशल विकास बने हैं।